click to subscribe to the channel and then press the bell icon to get regular updates of videos, live sessions, and important seminars. एक आपका इशू आया होगा असम का क्लॉज 6 को लेके न्यूज़ में क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड क्या है भाई ये इशू Note citizenship status to people or migrants basically who have entered Assam after 1971. So basically, hua kya hai ki Home Ministry notification issue kiya hai that they will set up a committee to review the working of Clause 6 of the Assam Accord. Ab aisa Clause 6 mein kya likha hua hai jo itna important ho gaya because there was a widespread demand for this. So, आपको पता है अभी असम में एनआरसी चल रहा है ठीक है जिसकी कट ऑफ डेट क्या है डेट क्या रखे नहीं नहीं वो नहीं मतलब जो कट ऑफ डेट फॉर कॉलिंग देम एज अ सिटीजन 24 मार्च 1971 ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली यही डेट है ठीक है 24th मार्च 1971 नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टू इश्यूज ओवर हियर और ये जो टॉपिक है ना ये इस बार के इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो जब हम डिस्कस कर रहे थे अभी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें हम लोग बोल रहे थे कि इनसे पूछा जाएगा तो इसमें क्या है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ असमीज एंड डेफिनेशन ऑफ बीइंग एन इंडियन सिटीजन इज डिफरेंट एंड दैट इज द प्रॉब्लम यहां पे तो यहां पे क्या है ये क्लॉज 6 जो है ये मैं एग्जैक्टली लिखवाऊंगा पहले क्योंकि वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्लॉज 6 में क्या लिखा हुआ है बट अभी समझ लो क्लॉज 6 जो है ऑफ द असम अकॉर्ड जो कब साइन हुआ था असम अकॉर्ड बताओ 15 अगस्त 1985 ठीक है 15 अगस्त को 1985 को साइन हुआ था असम अकॉर्ड ठीक है तो उसमें अकॉर्ड में पहले समझो क्या हुआ था उन्होंने बोला था कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे और जितने भी माइग्रेंट आए हैं 1971 के बाद इनको सबको डिपोर्ट करना है वापस ठीक है अच्छी बातें कर दें ठीक है तो इसमें बेसिकली हुआ इसमें जो ये क्लॉज 6 इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ असम अकॉर्ड जिसमें लिखा हुआ है कि उसमें अगर आप वैसे समझो इन जनरल टर्म्स इट इज रिटन इज दैट इंडिजिनस इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम विल बी प्रोटेक्टेड दैट इज वॉट क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट तो उसकी एग्जैक्ट लाइन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है बट अभी समझ लो उसमें लिखा हुआ है दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम शुड बी प्रोटेक्टेड अब वो इंडिजिनस पीपल कौन है वो रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस डन इन 1951 या एनआरसी ऑफ 1951 तो अब यहां पे दो डेट्स हो गई या दो ईयर हो गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम यहां पे ये है कि यू कैन ओनली बी एन असमीज सिटीजन और असमीज तब हो गए आप जब आप 1951 के पहले से रह रहे हो वहां पे या 1951 के एनआरसी में आप एनरोल्ड हो ठीक है 1951 का जो डेटा उसके हिसाब से और अगर आप 1971 इसके बीच में आए हो इसके बाद वालों का तो कुछ नहीं है ये तो बाहर ही जाने हैं 1971 के बाद वाले ठीक है 1951 से 1971 के बीच में अगर आप आए हो ड्यूरिंग जब वो बांग्लादेश लिबरेशन जब वॉर हुआ था तब यू विल नॉट बी एन असमीज यू विल बी एन इंडियन सिटीजन ओनली तो ये कहीं ना कहीं आप देखो सिटीजनशिप के क्लॉज को ऑल्टर कर रहा है बिकॉज इट इज गिविंग ड्यूअल सिटीजनशिप नाउ जो इंडिया में अलाउड नहीं है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज वो एक क्वाजाई स्टेट है ठीक है वो फुल स्टेटहुड नहीं है उसकी तो ये कहीं ना कहीं आप देखो ये जो है ये इशू क्रिएट कर रहा है यहाँ पे करेक्ट क्योंकि ऐसा जो इंटरेस्ट है या ऐसा क्लॉज जो है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर वहां पे भी है फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस ट्राइब्स के लिए बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि अभी वहाँ पे एक तो एनआरसी चल रहा है और एक जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें बांग्लादेशी माइग्रेंट्स नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को दे कैन गिव सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप मिलेगा मतलब उन्हें सारे राइट्स मिलेंगे नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रिमेंबर ओवर हियर इज कि क्लॉज 6 में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज सेफ गार्ड्स द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड ओवर देयर इज कॉल्ड एज सेफ गार्ड्स सो सेफ गार्ड्स हैव टू बी गिवन टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम अंडर क्लॉज 6 तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 1951 एनआरसी के बेसिस पे अगर असम में रहते हो
तो यू विल बी एन इंडियन सिटीजन ऑफ कोर्स एंड असमीज भी होगे और आपको सर्टेन बेनिफिट्स मिलेंगे विच आर कॉल्ड एज सेफगार्ड्स. दोज बेनिफिट्स आर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, एबिलिटी टू बाई प्रॉपर्टी एंड अदर बेनिफिट्स जो स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है. बट अगर आप 1951 से और 71 के बीच में आए हो तब आप सिर्फ इंडियन सिटीजन होगे, यू विल नॉट गेट दोज बेनिफिट्स. दैट इज द डिफरेंस वहां पे. तो वहां पे उनको प्रॉपर्टी 1951 तक, अगर आप जो 1951 के एनआरसी के डेटा पे अगर आप आसाम में रहते हुए पाए गए हो तो यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन सिटीजन तो मिलेगा ही, आप तो हो ही. प्लस यू विल गेट एडिशनल सेफगार्ड्स वहां पे लिखा हुआ है. तो सेफगार्ड अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है कुछ कुछ, क्योंकि दो तीन कमेटी सेटअप की गई थी बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है. उसमें जेके पिल्ले ही थे, वो वाज अ फॉर्मर होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो ही वाज आल्सो देयर. तो उन्होंने अलग अलग सेफगार्ड इंश्योर किए थे कि क्या क्या मिल सकता है इनको. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब असम अकॉर्ड साइन किया गया था तब इनिशियली जब ये साइन हुआ था तो उसमें बोला गया था जो भी लोग बांग्लादेश से आए हैं 1971 इसके बीच में 10 साल तक दे विल नॉट हैव राइट टू वोट, ऐसा असम अकॉर्ड में लिखा हुआ है. तो ये जो सेफगार्ड है क्लॉज 6 जो मेंशनड है अंडर द असम अकॉर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि अगर एनआरसी 1951 का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर आप असमीज हो तभी आप यू विल हैव राइट टू बाई प्रॉपर्टी और राइट टू हैव रिजर्वेशन गवर्नमेंट एग्जाम्स इन द स्टेट ऑफ असम. अगर आप 1951 और 71 के बीच में आए हो तो आपको वो सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, बट आपको रिजर्वेशन का राइट नहीं मिलेगा स्टेट के लिए. तो वो क्या है, एक दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं लोग वहां पे, कि एक जो 1951 से रह रहे हैं एनआरसी के हिसाब से हैं और दूसरे जो 1951 के बाद और 1971 के बीच में है. वही 71 से लेके वहां तक जो, क्योंकि इमीडिएटली आ गए थे ना वो लोग, क्योंकि तब तक तो एनआरसी हो नहीं पाया था फिगर आउट करने के लिए. तो 71 बाद के बाद जो इलेक्शंस हुए ना तो किसी भी माइग्रेंट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी वोट करने के लिए, बिकॉज क्या पता कौन इंडियन सिटीजन है कौन बाहर से आया है. इसलिए तो ये इशू है यहाँ पे. सो दैट इज क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड, कि उसमें ये बोलता है कि इट काइंड ऑफ क्रिएट्स ड्यूअल सिटीजनशिप. कि यहाँ पे अब ये वैसे तो आप बोलते हैं एक्टिविस्ट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट क्या है कि इंडिजिनस ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजन है. आर्टिकल 371A जो एफ से लेके पूरा तक है, ABCDFGHH तक लिखा हुआ है, ठीक है. दैट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ दीज इंडिजिनस ग्रुप्स ऑफ पीपल इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स. तो उसमें क्या है, अंडर दैट इट इज जस्टिफाइड. तो अब क्या है, इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जिसकी वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स यूनियन जो हैं और बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है. आज भी देखो वहाँ पे असम में बंद चल रहा है फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अभी न्यूज़ में आ रहा होगा, अभी आया था. सो वहाँ पे क्या है कि वो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप एक जगह, तो सो दिस इज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, नाउ इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल कि एक तरीके पे तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि वी आर कंडक्टिंग एनआरसी 71 के बेस जो चल रहा है उसमें क्या होगा कि जो 51 और 71 के बीच में है वो एक तरीके से इंडियन सिटीजन तो मिल जाएंगे लेकिन असमी सिटीजन नहीं होंगे, और ऑन द अदर हैंड आप उनको सिटीजनशिप का स्टेटस दे रहे हो थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. तो दे आर एट कॉन्फ्लिक्ट. तो दूसरे स्टेट वाले हंगामा नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ के. मतलब देखो हम, हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो एक सेकंड. किसी को नहीं मिलेगा वो, आप 1951 के एनआरसी में आपका नाम होना चाहिए उसके बेसिस पे होगा, तो इसीलिए आप एसएमईज नहीं हो, यू आर अ माइग्रेंट फ्रॉम यूपी और बिहार. सेम है ना, वही तो इशू है, क्योंकि तो वही चीज है यहाँ पे. बट यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो लोग ने डिमांड किया है कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, बट गवर्नमेंट क्या अभी थोड़ी वेरी है इस चीज को लेके, बिकॉज उन्हें भी पता है कि इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट द सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज. बट जम्मू एंड कश्मीर क्या है, उसका स्टेटस डिफाइंड है. इवन फॉर असम के लिए इट इज नॉट वायलेटिव बिकॉज आर्टिकल 371 में लिखा हुआ है कि इंडिजिनस ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट कैन टेक प्रोविजन एंड मेक प्रोविजन. तो आर्टिकल 371 में पूरा ए से लेके एफ जी तक पूरा लिखा हुआ है हर स्टेट्स के बारे में, तो उसके हिसाब से इट इज जस्टिफाइड. और मोर ओवर चीज ये है कि गवर्नमेंट हैज साइंड एन अग्रीमेंट विच इज असम अकॉर्ड, तो अब उसके हिसाब से उन्हें एक माननी ही पड़ेगी बात, बिकॉज इट इज मेंशन अंडर द असम अकॉर्ड कि गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा अंडर द क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड. सो अगर वो ये नहीं मानेगा सो दे आर वायलेटिंग असम अकॉर्ड, तो वो चीज को बैक ट्रैक नहीं कर सकते वो. तो दिस वॉज द रीजन वाई इट वॉज इन न्यूज. तो अब लिख लो असम ये क्लॉज 6 के बारे में. समझ में आया, कोई डाउट है क्या डिफरेंस है बिटवीन असम? हाँ
कॉन्ट्रेरी ऐसे है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के, क्योंकि वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पूरा एक अलग टॉपिक है, बट मैं बता देता हूँ उसमें मोस्टली क्या है कि उसमें जितने भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज, दे विल बी गिवन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ सिटीजन। किसको लाएंगे? नहीं, जो ऑलरेडी हैं, मतलब यार डेटा की बेसिस पे, तो जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको ला थोड़ी रहे एक्स्ट्रा को। तो उसमें क्या है कि जो बेनिफिट्स यहाँ पे एसएमईज को मिल रहे हैं ना, वो शायद बेनिफिट उनको भी मिलेंगे, बट यही चीज को लेके वो धरना कर रहे हैं एसएमईज कि हम एसएमईज अलग हैं हमारे देखो दो चीजें यहाँ पे असम अकॉर्ड के हिसाब से एसएमईज सिटीजन के सेफ गार्ड जो है वो अलग है, ठीक है, लाइक राइट टू रिजर्वेशन एंड ये, बट ये चीज जो है कहीं लिखी नहीं हुई है, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, इट इज मेंशनड बाय मल्टीपल कमिटीज की ये सेफ गार्ड हो सकते हैं। तो हर कोई अलग अलग सेफ गार्ड बताता है कि एक सेफ गार्ड है रिजर्वेशन इन प्रॉपर्टी, एक बोलता है कि रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैनिपुलेट हो सकता है। तो इसलिए अगर जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के हिसाब से जो लोग बनेंगे सिटीजन उनको भी शायद ही मिल जाएगा, तो वो चांस नहीं लेना चाहते असमीज इस चीज को लेकर। तो ये मल्टीपल वही नोट कराऊंगा, मल्टीपल दो तीन कमिटीज थे जिन्होंने अलग अलग इंश्योर किया कि ये सेफ गार्ड है, ये सेफ गार्ड है। इनफैक्ट आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे असम के, उन्होंने खुद अपना सेफ गार्ड बताया हुआ है कि ये सेफ गार्ड होना चाहिए। इसे राइट टू बाइंग प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द मेन सेफ गार्ड जो हर कोई बोलता है। गवर्नमेंट में रिजर्वेशन के लिए सेफ गार्ड अभी किसी ने ज्यादा नहीं बोला उस बारे में कि ये होगा या नहीं होगा, बेस्ड ऑन की वेदर दे आर एसएमईज एज पर 51 एनआरसी और वेदर दे आर इंडियन सिटीजन एज पर 1951 या 71 के बीच में। क्लियर है? So, SMEs की डेफिनेशन डिफरेंट है एंड इंडियन सिटीजन की डेफिनेशन डिफरेंट है यहाँ पे। SMEs are defined by clause 6 of the Assam Accord. लिख लो इसको अब। So, पहले तो लिख लो Assam Accord के बारे में लिखो, टॉपिक डालना clause 6 of the Assam Accord, first write upon Assam Accord. So, इसमें लिखो the Assam Accord was signed between, the Assam Accord was signed between the representatives of, the Assam Accord was signed between the representatives of government of India and the leaders of the, क्या नाम थे भाई leaders का बताओ, कौन सी organization थी? All Assam Students Union, ठीक है, AASU, leaders of the Assam movement, bracket में लिख लेना, all Assam Students Union in New Delhi on 15th August 1985 15th August 1985, ठीक है। इसमें लिखो द अकॉर्ड मेंशंस दैट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल बी सील्ड, दैट द इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल बी सील्ड एंड ऑल दोज पर्सन्स हु क्रॉस्ड over from Bangladesh and all those persons who crossed over from Bangladesh after 1971 will be deported. Also those Bangladeshis who came between 1966 and 71, all Bangladeshis who came between 1966 and 71 will be barred from voting for 10 years. अब इसमें लिखो व्हाट इज क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। सो इसमें लिखो क्लॉज 6 रीड्स, और इसको डबल कोट में लिखना बिकॉज एग्जैक्ट है ऐसा, कि क्लॉज 6 रीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमा लेजिस्लेटिव
and administrative safeguards comma, as may be appropriate, comma, shall be provided to protect, comma, preserve and promote the cultural, comma, social, comma, linguistic identity, and the heritage of the Assamese people, full stop, double quotes ko close kar dena. ठीक है, अब इसमें लिखो कि हुआ दिस इंडिजिनस पीपल, लिखो इसमें. और यही सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि कैसे कट ऑफ डिसाइड करेंगे. लिखो हुआ दिस इंडिजिनस पीपल. सो इसमें लिखो मोस्ट स्टेक होल्डर्स अग्री दैट द एनआरसी ऑफ 1951 should be taken as the cutoff. For defining the Assamese people. इसमें लिखो This conclusion was also reached by a subcommittee constituted in 1998, headed by G.K. Pillai, the then joint secretary, bracket mein northeast, in the Home Ministry. ठीक है, next लिखो इसमें safeguards. What are those safeguards? So, उसमें लिखो there are different opinions about the safeguards. That will be applicable to the Assamese citizens or to the Assamese people. For example, former CM Mahanta, views safeguards as reservation of electoral seats, comma, land and political rights, comma,
rights over natural resources. Etc. Etc. इसमें लिखो देर आर अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर. देर आर अदर एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर विच विच एंट्रस्ट द राइट विच एंट्रस्ट एंट्रस्ट द राइट्स Interest the rights over the natural resources, over the natural resources on the basis of ethnic community. On the basis of ethnic community. ठीक है, इसमें लास्ट पैराग्राफ लिख लो. द असम अकॉर्ड केम एज अ कल्मिनेशन ऑफ मूवमेंट. The Assam Accord came as a culmination of movement against immigration from Bangladesh. Take a full stop. The cutoff date to be considered. The cutoff date to be considered. As citizens of India, under the accord को underline कर लेना, under the accord was set at 24th March 1971. The committee will decide. That is what the committee has to look into अभी. इसीलिए तो properly implement नहीं हो पाया, because nobody was able to prove. With different different documents हर कोई अलग चीजें बोल रहा है. So as per the accord was set at 24th March 1971. Full stop. Next लिखो इसी में the immigrants up to this date. The immigrants up to this date will get all the rights. Will get all the rights as citizens of India. Will get all the rights as citizens of India, but the immigrants are not eligible, but the immigrants are not eligible for safeguards, is underline karna safeguards, for safeguards meant for the Assamese people. Safeguards meant for the Assamese people because the cutoff for that is NRC of 1951. Because the cutoff for that is NRC of 1951. Hence, those who migrated between 1951 and 71. Hence, those who migrated between 1951 and 71 to Assam would be Indian citizens, but without safeguards, meant for the Assamese people. But without safeguards meant for the Assamese people. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ समरी ऑफ वॉट एवर वी डिस्कस्ड. अब इसमें कमिटी जो सेटअप की गई है, दे हैव द टास्क ऑफ डिसाइडिंग कि पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है, प्लस वो सेफगार्ड्स कौन कौन से होंगे वो भी क्लियर नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग देयर ओन ओपिनियन. फॉर्मर सीएम बोल रहे हैं ऐसा है, AASU के प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहे हैं. सो दैट सेफगार्ड्स आर ऑल्सो नॉट डिफाइंड अंडर द अकॉर्ड. उसमें अकॉर्ड में बस वही चीज लिखी, अकॉर्ड में वो लिखा है जो मैंने आपको डबल कोट में लिखा है कि नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस पीपल. तो अब वो क्या है वो नहीं पता किसी को,
तो वो अलग अलग सब्जेक्टिव ओपिनियन है उसको लेके. तो ये चीज क्लॉज 6 से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस इज रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ अ फ्यू एमपीज फ्रॉम द लोकसभा. ठीक है, ये न्यूज में आया था. तो ये पॉलिटी की बुक्स में जनरली दिया नहीं होता है. ठीक है, ये सब चीजें जो है मतलब थोड़ा सा रेफरेंस दिया है बट उसमें ये चीज नहीं दी हुई कि कौन सी पावर है और कौन सी पावर नहीं है स्पीकर के पास. तो दिस इज रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा. तो सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये सब चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं. सस्पेंशन जो है वो होता है आपका लोकसभा में और राज्यसभा में अंडर दी क्लॉज और रूल नंबर 373 एंड 374A. ये दो होते हैं इशू इसमें. नहीं नहीं, रूल है, रूल 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 है, रूल रूल है, रूल्स है, रूल है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा. ये रूल नंबर 373 एंड रूल नंबर 374 ए ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा. प्रोसीजर एंड बिजनेस बोलते हैं बेसिकली उसको, बिजनेस ऑफ लोकसभा. दिस रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमपीज. So, क्या हुआ सुमित्रा महाजन जी ने 47 एमपीज को है ना सस्पेंड कर दिया लोकसभा से. वो हंगामा कर रहे थे आके वेल में आके. तो उस वजह से शी इन्वोक्ड रूल नंबर 374A. सो देयर इज अनदर रूल विच इज कॉल्ड एज 373. दोनों में डिफरेंस क्या है, 373 374A कैन बी इन्वोक्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. कि किसी ने वही आके ऐसी लैंग्वेज यूज करी या फिर स्पीकर की पावर को चैलेंज किया या फिर ऑफिशियल्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया या फिर नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या होता है, द स्पीकर कैन सस्पेंड दैट मेंबर आइदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एंटायर डे, और फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन. तो इन्होंने इन्वोक किया है रूल नंबर 374A. में होता है दैट द मेंबर कैन बी सस्पेंडेड मिनिमम फॉर आइदर 5 days और रेस्ट ऑफ द सेशन विच एवर इज मिनिमम. तो 5 दिन के लिए तो जनरली आप सस्पेंड हो गए होगे, दैट इज अंडर 374A. अब मान लो सेशन खत्म होने में 3 दिन बचे हुए हैं तो 3 दिन के लिए सस्पेंड हो गए बस. मतलब जब नया सेशन दोबारा चालू होगा तो सस्पेंडेड नहीं रहोगे आप. ठीक है, सो इसलिए लिखा हुआ मिनिमम 5 days और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज मिनिमम. सो दैट इज अंडर 374A. तो अभी इन्वोक ये वाला किया गया है. 373 में डिफरेंस बस ये है कि 373 में यू आर सस्पेंडेड फॉर द इंटायर डे, बस सिंगल डे के लिए. एमपी को फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क क्या पड़ेगा, वो हंगामा कम करेगा थोड़ा, जो हाउस का बिजनेस ढंग से होगा, एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट है उसके लिए, बेइज्जती वाली बात है. सैलरी वैलरी कुछ नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती. सस्पेंशन नहीं, ऐसा नहीं सैलरी वाले नहीं कटता इसमें, सैलरी वाले कुछ नहीं कटता, सैलरी वाली कुछ नहीं कटेगा उसमें. ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ एक, देखो क्या है, सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस, मतलब समझ रहे हो आप, इसमें बेसिकली उसके लिए वो मॉरली बहुत ज्यादा वो होगा. इट्स काइंड ऑफ अ मॉरल कि आपकी बेइज्जती हो गई बिकॉज पब्लिकली आपका वो सस्पेंड कर दिया गया. प्लस क्या है, वो इसलिए किया जाता है सो दैट यू डू नॉट डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हाउस. क्या क्या नहीं, मतलब देखो इसीलिए तो जो डेफिनेशन जो लिखी हुई ना रूल में, जो मेंशन किया हुआ है कि कब सस्पेंड कर सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि आइदर उसने चेयर की अथॉरिटी को चैलेंज किया या फिर वेल में आके उसने गाली गलौज कर दिया. ठीक है, उसमें लिखा हुआ है यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज, वो लाइन में लिखा हुआ है रूल में, यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज इन द हाउस, चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द चेयर या फिर आके ऑफिशियल्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया. तो इनको सस्पेंड, अपनी सीट पर चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, ठीक है, और अपनी सीट पर लेकिन गाली नहीं दे सकते, लेकिन बाकी सब चीजें करते रहो. आप जब वेल में आके डिस्टर्ब करते हो ना, जो एरिया होता है जहां पे वेल जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेल, जहां पे ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं सारे, वहां पे आके जब आप हंगामा करते हो तब ये सारे रूल्स इन्वोक होते हैं. अच्छा, तो इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, सुनो, द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज रूल्स इज कि द ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज दिस पावर, द राज्यसभा का चेयरमैन डज नॉट हैव दिस पावर. रूल भी लोकसभा का है लेकिन ही डज नॉट हैव सिमिलर पावर्स. द पॉइंट इज कि डज नॉट हैव सिमिलर पावर्स टू सस्पेंड एन एरिंग एमपी. That is the House only has that power in Raj Sabha. ये important exam के लिए. Exam के लिए important ये है कि Raj Sabha में
the chairman of the Raj Sabha does not have the power to suspend MPs. Wahan pe the house has the power to pass a motion or a resolution to suspend the erring MPs. So house decide karega, ye badtameezi kar raha hai, isko bahar nikal do aaj ke liye. Ya fir pure entire session ke liye. Toh Raj Sabha mein the chair does not has the power. Dusri cheez, in the case of Lok Sabha, ye do rules mein, the power to revocate, theek hai, revocation jo hai, is not with the speaker. ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. यहां पे क्या है, सस्पेंशन की पावर है. द स्पीकर हैज द पावर इन द लोकसभा के केस में टू सस्पेंड बट नॉट टू रिवोक. शी और ही कैन नॉट रिवोक, शी कांट रिवोक द सस्पेंशन. दैट इज ओनली लोकसभा कैन रिवोक द सस्पेंशन. लोकसभा के केस में दो रूल्स हैं, ठीक है, सस्पेंशन के. फिर से बता देता हूं पूरा. 373 से 374 है. 373 में आप सिर्फ उस दिन के लिए सस्पेंड हो जाओगे, आप नहीं आओगे, अगले दिन से आ जाना हाउस में. 374 ए में मिनिमम 5 दिन के लिए सस्पेंड हो गई होगे, या फिर अगर सेशन में 3 दिन बचे हुए हैं तो मिनिमम जो भी होगा दोनों में से, ठीक है, फॉर या इधर फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन या फिर फॉर मिनिमम 5 डेज. इस बार जो है इन्होंने इन्वोक किया 374 ए अगेंस्ट ये टीडीपी के थे एमपीज, ठीक है, एआईडीएमके वाले, क्योंकि उनको वैसे भी नाराज थे क्योंकि उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला नहीं, तो वैसे भी पार्टी अलग हो गई उनकी टीडीपी वालों की, तो वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे उनको, और रफेल की चल रही है आपको कंट्रोवर्सी, तो उनको इसमें सस्पेंड कर दिया गया. वेल पे आके हंगामा कर रहे थे, तो 374 ए इन्वोक किया गया. अब इसमें क्या है कि द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर फॉर एग्जाम इज कि द स्पीकर अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा कैन ओनली सस्पेंड एमपी, शी कैन नॉट रिवोक द सस्पेंशन. उन्हें वापस नहीं बुला सकती कि चलो अब 2 दिन हो गया, चलो वापस आ जाओ, ठीक है, शी कैन नॉट डू इट. दैट इज ओनली द हाउस हैज टू वोट. Lok Sabha in that case, the House will have to pass a resolution to revoke the suspension. ठीक है, अब of course क्यों करेगा अभी, मतलब practicality की बात करते हैं, वो तो BJP majority में तो वैसे भी नहीं revoke करेंगे, मतलब just giving example, but वहाँ पे House decide करेगा. Similar power जो है वो राज्य सभा के chairman के पास नहीं है. Chairman neither can he revoke nor he can suspend, दोनों ही power नहीं है उनके पास. राज्य सभा में it is the power of the House to suspend or revoke the suspension. It's completely within the House. तो यहां पे लोकसभा के पास देखो, स्पीकर के पास ही और शी हैज मोर एडिशनल पावर्स, एक तरीके से जो जनरली बुक में बहुत कर्सरी लेवल पे लिखा रहता है कि ही और शी कैन सस्पेंड द एमपी, ये लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में वैसे, बट इस तरीके से नहीं दिया हुआ डिटेल में कि वेदर शी कैन रिवोक और शी कांट रिवोक. तो प्रिलिम्स में क्योंकि आजकल यूपीएससी की आदत क्या होगी, पॉलिटी के क्वेश्चन वो डिराइव्ड क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो डायरेक्टली बुक में दिया होगा, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी वेदर यू आर फॉलोइंग द डिबेट्स इन लोकसभा और राज्यसभा और नॉट. कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर पे आए हुए हैं इन द हाउस,